जो आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग कक्षा 3 में पंखुड़ी की किताब से जो प्रारंभ में प्रार्थना दिया हुआ है उसका हम लोग सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के पन और देश के बाट, सरल बनी प्रभु सरल बनी प्रभु सरल बनी। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, बिमल बनी प्रभु बिमल बनी, बिमल बनी प्रभु बिमल बनी। तो अभी हमने इस प्रार्थना को सस्वर वाचन करते हुए पढ़ा और अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बनी प्रभु सरस बने। तो इसका भावार्थ है, कवि प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जल, हमारे देश की वायु और हमारे देश का फल सब रस से युक्त हो जाए, अर्थात मधुर हो जाए। यह प्रार्थना करता है। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो इस कविता का भावार्थ है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमारे देश के घर और घाट, देश की वन संपत्ति और देश के रास्ते सरल हो जाए। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, बिमल बने प्रभु बिमल बने। तो इस कविता का भावार्थ है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमारे देश का तन और मन, देश के भाई बहन सब स्वच्छ परोपकारी और भले रहें। बस हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए।